मामा जी। हाँ जी। ये सबू रोटी क्यों नहीं खा रहा? ये रोटी खाएगा, मैं देखती हूँ आज ये कैसे नहीं रोटी खाता। मामा मुझे ये नहीं पसंद। आपको क्यों नहीं पसंद? मैं तो ये नहीं खाता। क्यों नहीं खाते हो? सारी दुनिया खाती है आलू बैंगन। अब इसको मैंने आलू बैंगन के साथ रोटी खिलानी है। आ गया आ गया आ गया। बुरी बात बेटा, ये जो बैंगन है ये भी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ठीक है। ये भी सब्जी है, लोग बड़े शौक से खाते हैं। मेरी जो नानो माँ थी ना, वो भुर्ता बनाती थी बैंगन का, बड़े शौक से वो हमें खिलाती थी, खुद भी खाती थी। आप भी खाओ 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 जल्दी से, मैं देखूँ कैसे आपको जो है इस बैंगन के खाने से कुछ होता है। हाँ, बुरी बात है बेटा, सब्जियाँ जितनी भी होती हैं अल्लाह ताला की नेमत होती हैं, सारी सब्जियाँ खानी चाहिए। मैं आपको किसी दिन ना बैंगन का भुर्ता बना के दूंगी। आपकी मामा की जो नाना थी ना, वो बैंगन का भुर्ता बनाती थी और हमें खिलाती थी, हम बड़े शौक से खाते थे। तो आप बैंगन का भुर्ता जब खाओगे ना, तो आप दूसरे गोश्त और ये जो चिकन शौक से खाते हो ना, इसको भूल जाओगे। 24 घंटे बर्गर, शवारमे और मैक्रोनीस, सिर्फ यही काम है आप लोगों को। फास्ट फूड जो होता है ना, उसका नुकसान होता है। ये देखो पराठा कितना प्यारा आपकी आपकी ये बना के दिया, बलदार पराठा। अब अपने हाथों से खाओ ज़रा, बलदार पराठा है। आलू बैंगन की भुजिया इतनी मज़े की बनी है, तो बेटा ये खानी चाहिए ना, ठीक है। आपके पापा को बहुत पसंद है, वो तो मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं कि आलू वाले पराठे कहने लगी थी। वो तो बड़े कॉल उनकी आ चुकी है कि जल्दी से पराठे बना के रखो, मैंने आलू बैंगन की भुजिया। चले जी, पेट भर के खाना खा लें जल्दी से, और सुपारा पढ़ने के लिए जाना है। कितने दिन हो गए सुपारा पढ़ने नहीं जा रहे हो? हाँ, आज मैंने सुपारा पढ़ने भेजा तुम लोगों को, सुपारा से छुट्टी नहीं करी तुम दोनों ने। ओहो, पता नहीं भाई कौन आ गया है। चलो आप दोनों खाना खाओ, और खिसकना नहीं है, यहाँ से यहाँ से हिलना नहीं है, खाना खाओ। मैं भाई देखो कौन है। ओहो, पता नहीं कौन आ गया, देखो जरा मैं। सबूर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। बेटा आपको तो खाना खाता हुआ छोड़ के आई हूँ मैं, आप तो दुआ बाजों के साथ खाना खा रहे थे। तो यहाँ मैं तो बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ये क्या माज रहा है? मैंने अभी देखा आप मेरे साथ दुआ के साथ बैठ के खाना खा रहे थे, दरवाजा खड़का तो देखा आप बाहर खड़े हुए हो, अंदर भी आप बाहर भी आप, चले देखते हैं ये क्या माज है। चलो बेटा, मुझे बहुत टेंशन लग गई है, मैं देखूं तो सही कि ये क्या माज है। आप अंदर खाना खाता हुआ छोड़ के आई हो, आप बाहर खेल रहे हो, हाँ अंदर भी बाहर भी, ये क्या? हाँ, दुआ के साथ तो मैं सबूर को बिठाया हुआ था ना अभी, तो ये सबूर मैंने देखा बाहर दोस्तों के साथ खेलेगा, तो इसे दरवाजा फिर खटाया, मैंने देखा ये बाइक खड़ा हुआ है। नहीं मम्मा, मैं तो अकेली खाना खा रही थी। ओ नहीं बेटा, मैंने भी यहाँ मैं बैठी थी, यहाँ आपके साथ ये सबूर बैठा था, तो मैं खाना खिला रही थी आपको, खुद अपने हाथों से अपने बेटे को खाना खिला रही थी। भाई दरवाजा खटका, जब देखा तो सबूर बाहर खड़ा हुआ है, ये क्या बात है? यहाँ भी सबूर बाहर भी सबूर, हाँ मुझे तो लगता है इस घर में कोई गोल चक्कर है, कोई ना कोई ऐसा माजरा है इस घर में। अब इस घर का भी पता चलाते हैं, इस घर में क्या है, हाँ कुछ ना कुछ है, गड़बड़ है इस घर में। या तो ये घर छोड़ते हैं, तो या फिर कोई अल्लाह तौबा करवाते हैं, मुझे कोई माजरा उल्टा लग रहा है मुझे। चलो बेटा अभी फिलहाल आओ, मैं आपको खाना खिलाऊँ, सुपारे का टाइम हो गया है। अभी यहाँ पर आपको खुद मैं बिठा के गई हूँ, लेकिन हैरत वाली बात है, यहाँ भी आओ बाहर भी आओ, फिर चक्कर आ गया मुझे। चलो बेटा सुपारा पढ़ने के लिए चलो, बाजों के साथ, ठीक है। तो बेटा ध्यान से इसको लेके जाना, भैया को सीधे मस्जिद में जाना है, इधर उधर किसी के पास नहीं जाना आपने, ठीक है। चलो ध्यान से मस्जिद में जाके सुपारा पढ़ो, और भैया का खास ख्याल रखना है। चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। ओहो, अब मैं खाना बना लूँ, बच्चे सुपारा पढ़ के आएंगे तो इनके लिए कोई अच्छी सी डिश बना लूँ, बच्चे शौक से खाते हैं,
कस्टर्ड बना के रख लेती हूँ। तो अभी फिलहाल चलें। ओहो खाना बनाए जाके। हाँ ओ सबूर आप तो बाजू के साथ पढ़ा पढ़ने के लिए चले गए थे। मैं तो अभी वजू कर रहा हूँ। बेटा ये कैसे हो सकता है, दुआ के साथ मैंने सबूर को भेजा था, सबूर यहाँ। ये बेटा ओ ये जरूर घर में कुछ ना कुछ है, दुआ के साथ कौन चला गया फिर सपारा पढ़ने के लिए। आप तो यहाँ पे वजू कर रहे हो, बाजू के साथ कौन चला गया। चलो जल्दी करो जल्दी करो, सब पता करें, मस्जिद में पता करें जरा कारी साहब से। हाँ